तो हम लोग 7 लोग हमारी फैमिली में पॉजिटिव थे, मैं, मेरी दादी और कजिन मेरी, ये सब करके उसके बाद में फिर मेरी फैमिली भी पूरी पॉजिटिव आ गई, पापा मम्मी भाई, सब पॉजिटिव। और दादी की डेथ हो गई। अच्छा, कोरोना के अंदर हाँ, ही हुई मेरी थी। दादी की डेथ हो गई थी कोविड तो आज आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि जो सौरभ जोशी है वो पूरे दिन का व्लॉग नहीं बना के डाल पा रहा है, छोटे छोटे अपडेट्स दे रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सौरभ जोशी को, अगर उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हुआ है, आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सौरभ जोशी को कैसे फील हो रहा होगा, वो कैसे क्या बोलते हैं लड़ रहे होंगे कोरोना वायरस से, उनको क्या क्या दिक्कत आ रही होगी, किन दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। तो आज मैं जुड़ने जा रहा हूँ भारती मारुठिया से, जो जिनको कोरोना हो चुका है और उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो चुका था किसी टाइम पे। जैसे सौरभ जोशी की अभी हालत है, वैसे भारती मारुठिया की हालत थी थोड़े से दिन पहले, उन्होंने भी कोरोना वायरस से उसी तरह से लड़ा है जिस तरह से सौरभ जोशी ने लड़ा है, और वो बताएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और सौरभ जोशी को अभी क्या करना चाहिए इस टाइम पे। बहुत सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे इस वीडियो में, और ये आप सभी के लिए जरूरी है। अगर बाई चांस आपको इस वायरस से लड़ने के बारे में पता नहीं हो या फिर आप पैनिक नहीं हो जाओ, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। तो आइए आइए अब हम बात करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम पे मेरी उनसे बात हो रही थी, उस टाइम पे कुछ परेशानी आ चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे जब मैं बात करूंगा तो वहां पे मेरा साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जो भारती जी का साउंड है वो तो वहां पे सही तरह से रिकॉर्ड हो चुका है, बट मेरा जो साउंड है वो मेरे कैमरा, जो आप जिस कैमरे में देख रहे हो, इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, और इसमें थोड़ी सी आपको नॉइज देखने को मिलेगी। इस दिक्कत के लिए मुझे माफ करना, मेरी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन इतनी ज्यादा नॉइस नहीं है, उसको मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा एडिटिंग में। तो आप आगे का वीडियो देख सकते हैं, और आपको आप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिंग होगी, और आप जान सकते हैं सौरभ जोशी अभी किस हाल से गुजर रहे होंगे इस वक्त। कौन सा वीडियो ज्यादा अच्छा लगा? और पारस टकराल, एक्चुअली मैं ना पारस टकराल की फैन हूँ, और पारस टकराल उनके घर के पास में रहते हैं, तो मैं उसके थ्रू उनको जानती हूँ, सौरभ को। पारस अच्छा, टकराल उसके घर के पास हाँ में रहते हैं और फ्रेंड भी है। तो सौरभ के पास में भी केटीएम थी, और उन्होंने भी फिर ना केटीएम ली थी पारस ने, उसके बाद में सौरभ जोशी और वो लोग ना राइड पे गए थे। हाँ तभी अभी पारस भैया भी उनकी वो हेल्प कर रहे हैं यूट्यूब, क्या बोलती है, जब से उनको कोरोना। हाँ, कर रहे हैं कर रहे हैं। उन्होंने सुबह बताया था कि सिलेंडर वगैरह का इंतजाम हो गया, एक भैया आए थे पारस के घर, उन्होंने सिलेंडर करवाया था सौरभ जोशी के पापा के लिए, ऐसा कुछ। और मैंने अभी सुना है कि आपको भी कोरोना हुआ था, हाँ, तो आपको जब कोरोना हुआ तो आपने क्या-क्या चीजें फेस करी? मैंने 9 अप्रैल को टेस्ट करवाया था, मुझे हल्का सा कोल्ड था, तो मैंने टेस्ट करवाया तो मैं पॉजिटिव आई। अच्छा, तो उसके बाद में मुझे एक बार फीवर आया था रात में, रात को। उसके बाद, हाँ, रात में मुझे फीवर आया था, एक ही बार आया था फीवर, और उसके बाद में मुझे कंटिन्यूस खांसी और जुकाम तो थी मुझे, और वीकनेस आ गई थी बॉडी में बहुत ज़्यादा। अच्छा, और घर में किसी और को हुआ था? हाँ, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव आई थी, मम्मी पापा मैं छोटा भाई। जब पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है, जैसे अभी सौरभ जोशी के घर पे भी पूरी फैमिली पॉजिटिव है, तो उसमें क्या क्या हाँ, प्रॉब्लम्स आती है, मैं यही जानने के लिए आपको कनेक्ट हुआ हूँ। उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि सब लोग तो बीमार होते हैं, तो फिर ना फूड का इशू रहता है कि खाना कौन बनाएगा, और जो ग्रोसरीज वगैरह के लिए हेल्प कौन करेगा, छोटी मोटी हेल्प जो डेली यूज में अपन को चीजें चाहिए, बहुत सारी चीजें डेली यूज में फैमिली के लिए है, तो वही है कि हेल्प कौन करेगा, कौन क्या करेगा, ये इशू रहता है। पूरी फैमिली पॉजिटिव आती है तो अच्छा, जब सबसे पहले आपको पता चला कि आपको कोरोना हो चुका है, तो आपने क्या फील किया? पहले तो मुझे थोड़ा डर गई थी मैं कि वो पॉजिटिव आ गई, मतलब सब एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाते हैं ना पॉजिटिव तो। लेकिन उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं था, उसे एक नॉर्मल फीवर की तरह लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपन प्रॉपर मेडिसिन लेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो अपन जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हमने भी ऐसा ही किया, पॉजिटिव आने के एक दिन पहले ही हमें पता चला था कि मेरी जो कजिन थी वो कोरोना पॉजिटिव थी, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई थी घर पे ही, अच्छा, हमें पता नहीं था उसे कोविड है, लेकिन उसकी घर पे ही हो गई थी, तो उससे लेकर गए थे, तो हॉस्पिटल से पता चला कि वो पॉजिटिव है। उसके बाद में हमने भी टेस्ट करवाया सबने, तो हम लोग 7 लोग हमारी फैमिली में पॉजिटिव थे, मैं, मेरी दादी और कजिन मेरी, ये सब करके उसके बाद में फिर मेरी फैमिली भी पूरी पॉजिटिव आ गई, पापा मम्मी भाई, सब पॉजिटिव। और दादी की डेथ हो गई। अच्छा, कोरोना के हाँ, अंदर ही हुई मेरी दादी थी। की डेथ हो गई थी कोविड से। हाँ, कोविड से डेथ हो गई थी उनकी। तो जब आपको कोरोना था, जब जब डेथ हुई थी, हाँ, हम कोविड पॉजिटिव थे, हम आइसोलेट थे घर के तो अंदर, फिर सब कैसे मैनेज किया, वो घर वालों ने या कोई बाहर से हेल्प? बहुत मुश्किल था।
बाकी जो लोग मतलब बड़े पापा और चाचा वगैरह जो थे उन्होंने सब मैनेज किया हॉस्पिटल और सब ये घर का भी। तो जब आपको कोरोना हुआ उसके बाद आपको सबसे ज्यादा वीकनेस कब आई, मतलब आपको क्या क्या समस्या हुई उसमें? मैं जब पॉजिटिव आई थी उसी दिन से ही मुझे वीकनेस आने लग गई थी, मुझे बॉडी में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सिम्टम्स 3 दिन पहले से मुझे सिम्टम्स आ रहे थे, जब से मुझे जुकाम हुई थी ना तब से मैंने खाना छोड़ दिया था। 7 अप्रैल से मैंने खाना छोड़ दिया था, खाना नहीं खा रही थी मैं बिल्कुल भी। और उसके बाद में मैंने 9 अप्रैल को टेस्ट करवाया था तो मैं पॉजिटिव आई थी। जब मैं पॉजिटिव आई तभी मैंने सारी मेडिसिन्स ले ली थी, जहाँ से मैंने टेस्ट करवाया था वहीं पे ही मेरी दी डॉक्टर, मैंने उनसे सारी मेडिसिन लेके और स्टार्ट कर दिया था अपना ट्रीटमेंट खुद का। घर में ही आइसोलेट हो गई थी मैं, तो मुझे हील होने में थोड़ा सा टाइम तो लगा था, लेकिन मेडिसिन लेनी चाहिए इसमें प्रॉपर, पर कितने टाइम की मेडिसिंस और होती है? डॉक्टर से कंसल्ट कर। पहले उन्होंने 5 डेज की दी थी, लेकिन 5 डेज से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर उन्होंने और 10 डेज की दी थी, फिर हमने पूरा 15 डेज का कोर्स लिया था। और जिसे कोविड ना भी हाँ हो घर में उसे भी मेडिसिन लेनी है, के लिए उन्होंने बोला था लेनी ही है सबको, अगर एक घर में पॉजिटिव आया तो सबको अच्छा, सबको लेनी है लेनी है। सेफ्टी के लिए, हाँ सबको लेनी है। तो सब घर में सबको ही सिम्टम्स दिख रहे थे या सिर्फ आपको ही सिम्टम्स दिख रहे थे? मेरी फैमिली में तो सबको दिख रहे थे, पापा मम्मी भाई, भाई और मुझे सबसे पहले फीवर आया था, मम्मा और पापा को बाद में तो आया था, आपको हमारे क्या लगता काफी है, आपको दिन बाद। कोरोना वायरस, मतलब आपके घर में कोरोना वायरस, आपको ऐसा लगता है कि कहाँ से आया, एंटर हुआ, आपको कुछ ऐसे इस टाइप की नॉलेज है? पता नहीं चलता कि ये कहाँ से क्या तो आया आप है। बाहर गए थे या फिर बिना बाहर गए आ गया था? ऐसे ऑफिस वगैरह तो जाते रहते थे, अच्छा, इतना कोई वो तो नहीं। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपके सारे घर में ये सबको एक साथ कोरोना वायरस हुआ, तो फिर काम कौन कर रहा था घर का? एक्चुअली मेरी एक सिस्टर है छोटी वाली, वो हाँ नेगेटिव आई थी क्योंकि वो अलग रहती है, वो अच्छा, दूसरे मतलब रूम में, मतलब वो अलग ही रहती थी, उसका पढ़ाई करती हूँ, तो वो नेगेटिव थी तो उसी ने, उसको थोड़ा बहुत काम आता था तो उसने मतलब कुछ बना कर दिया थोड़ा बहुत, बाकी प्रॉपर नहीं जानती थी वो, तो उसी ने हमारा सब कुछ किया था। डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया कि ऑक्सीजन लेवल कितना रहना चाहिए, तो फिक्स हाँ, ऑक्सीजन? उन्होंने हमें एक डिवाइस दिया था हाँ ऑक्सीमीटर जो जिसे बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है, उससे हम रोज अपना टेम्परेचर सुबह शाम खाना खाने के बाद चेक करते थे, और सबका टेम्परेचर 98 अबव ऐसे ऐसे आता था, और 94 से नीचे नहीं आना चाहिए 94 से नीचे नहीं टेम्परेचर, आना 94 चाहिए, पर से नीचे नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाओ। मैं एक बात बताना चाहूंगा, कल मैंने एक व्लॉग देखा सौरभ जोशी का, उसके अंदर सौरभ जोशी ने खुद बताया कि मेरे पापा का जो है ना ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे चला गया था, ओ 70 से। तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था वो वीडियो देख के, 70 70 कितना, क्योंकि डॉक्टर बहुत ज्यादा, खुद, बहुत कम हो गया। हाँ तो वो तो इतने इजी तरीके से बता रहे थे कि 70 चला गया था, फिर मेरे पापा को रेस्ट करने के लिए बोल दिया, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है जब 80 से नीचे होता है तो डॉक्टर बोलता है आपको कंटिन्यू मास्क लगाना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क। तो शायद उनको हाँ ये बात किसी ने बताई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ये बात किसी ने बताई नहीं कि 80 से नीचे जाने पर ऑक्सीजन मास्क लेना चाहिए, क्योंकि वो बता रहा था कि अभी थोड़ी देर। अच्छा बहुत जरूरी, मेरी दादी का 50 था और 50 पर ही उनको मतलब वो लोग इतने सीरियस थे, क्रिटिकल 50 यानी बहुत क्रिटिकल, बहुत इसमें आप क्रिटिकल, बच नहीं सकते हो, अच्छा। इसलिए मेरी दादी की डेथ हुई थी क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था, 50 हो गया था, आप सोचो, तो मेरे को ये लग रहा है, वेंटिलेटर पर रखा गया मुझे था। ये लग रहा है या तो उन्होंने डॉक्टर को 70 वाली बात नहीं बताई, या नहीं तो डॉक्टर उनको ये अलाउ बताता कि ऑक्सीजन पूरे टाइम चालू रखना पड़ेगा ऑक्सीजन तो देखो उनको 24 घंटे लगानी ही पड़ेगी, अगर 70 पर पहुंचा उनको। ऑक्सीजन के बिना वो चल भी नहीं सकते, जो मेरी सिस्टर थी यहाँ तक कि वो ऑक्सीजन के बिना मूव भी नहीं कर सकती थी, इतना वो हो गया था उसका, अभी घर पे सब ठीक है? जब तक ऑक्सीजन लेवल 80 अबव था, अभी तो वो आ चुकी है, घर डिस्चार्ज मिल चुका है, वो ठीक है, पर जो बॉडी में वीकनेस है और जो आपको जैसे खांसी है ये तो आपकी चलेगी। और हाँ, इस कोविड के अंदर एक चीज है, सबसे कोविड का सबसे खराब चीज ये है कि आपको टेस्ट आना बंद हो जाएगा और आपको किसी भी चीज की स्मेल नहीं आएगी। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे अभी तक भी किसी भी चीज की स्मेल नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ खाने का थोड़ा बहुत टेस्ट आता है लेकिन मुझे स्मेल अभी तक नहीं आती, और मैंने कंसल्ट भी किया डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला कि बहुत अभी टाइम लगेगा इसे हील होने में, बहुत टाइम लगेगा। हील होने में टाइम लगेगा। हाँ, इसे टाइम लगेगा, आप तो डॉक्टर इतनी जल्दी से स्मेल नहीं आ रही। हमेशा हमेशा मतलब टाइम टू टाइम चेक कराते रहते हो डॉक्टर से? हाँ, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अभी स्मेल नहीं आई, काफी दिन हो गए, हाँ 20-22 दिन हो गए, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे अभी तक स्मेल क्यों नहीं आ रही, जबकि कोविड का तो 14 डेज का होता है,
क्वारंटाइन तो पीरियड आप उसमें ठीक हो जाते हैं, सौरभ लेकिन जोशी के डेली ब्लॉग्स, मतलब सौरभ जोशी को जानते हो, आपने फॉलो कर रखा उनके वीडियोस देखते हो कुछ, तो आपके उनके रेगुलर वीडियो जी देखते हो या हाँ, कुछ ही देखते हो? मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी है, वो भी पारस ठकराल के थ्रू, जो अच्छा उनके पड़ोस में रहते हैं और उनके अच्छे फ्रेंड भी है, अच्छा फैमिली, उनकी फैमिली भी उनके घर जाती है, होली पे भी गए थे वो लोग ऐसे ऐसे करके। तो पारस ने बताया, और मैंने उनका क्या व्लॉग देखा था, सौरभ जोशी कोरोना मतलब कोविड पॉजिटिव पूरी फैमिली, तो मैं शॉक्ड हो गई कि वो पॉजिटिव कैसे हो गए, क्योंकि मैं उन्हें जानती थी और मैं उनके पहले से व्लॉग देखे भी थे पहले मैंने काफी उनके, तो तो अभी आपने मैं वैसे उस लेटेस्ट तरह से ब्लॉग देखे ही जानती होंगे, तो मैं आपको कुछ बात बता दूं। उनकी जो मदर है वो थोड़े, उनकी सांस में प्रॉब्लम चलती रहती है, और अभी मैंने कल का ब्लॉग देखा था तो उनको खांसी थी, मतलब खांसी के साथ सांस लेने में प्रॉब्लम, जैसे बात कर रहे हैं तो खांसी आ रही है, ठीक से बात कर ही नहीं आ रही। और उनके पापा को तो मैंने आपको बता ही दिया कि 70 से नीचे जा चुका था एक बार, हाँ। तो अभी उनको आप क्या सलाह उनके देना फादर, चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? उन्हें सबसे पहले तो अच्छे से प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उन्हें प्राइवेट खुद का लेना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं, वो एक डॉक्टर से उन्हें कांटेक्ट बिल्कुल। है और जो दिल्ली में है वो ऑनलाइन ही उनको सब कुछ दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ वगैरह। ओके और उनके घर में दो लड़के और हैं, जो उनका एक तो साहिल जोशी जो उनसे छोटा है, और एक वो है उससे भी छोटा है जो, जिनका नाम पीयूष है, और उनके घर में एक डॉग भी है। तो पीयूष तो अभी बिल्कुल ठीक है, ना उसको बुखार हुआ है ना कुछ हुआ है, ना सिम्टम्स हैं, तो तो मैं अभी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? उन्हें सबसे पहले तो अपने फादर को खिलाना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर इसमें यही होता है कि खाओगे नहीं तो आप ठीक भी नहीं हो पाओगे जल्दी से जल्दी, जैसे मेरे फादर को भी सेम हुआ, तो मेरे फादर को हमने जबरदस्ती खिलाया, जबरदस्ती उनको 2-3 चम्मच खिचड़ी या दलिया वगैरह उनको जरूरी है खिलाना, अगर वो नहीं खाएंगे, 1 चम्मच भी नहीं खाएंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये कोई इसमें इश्यू नहीं है, बस उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। आप और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स और सौरभ जोशी के लिए? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि इसे इतना लाइटली मत लो, और हो गया है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, दवाई प्लीज लो और छुपाओ मत। मैंने ये देखा है कि सब छुपाते हैं कि पॉजिटिव हो गए, ओ नो, घर में अब हो जाते बंद, अरे आप छुपा के रहो, आप डॉक्टर से कंसल्ट तो करो, आप जाओ तो सही, और जैसे सौरभ ने बताया खुल के कि हम पॉजिटिव है, तो उसकी तरह बनो, सब बताओ कि हाँ हम पॉजिटिव है, हम दवाई ले रहे हैं, हम अपना ख्याल रख रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगी, और सौरभ जल्दी से ठीक हो जाए, उसकी फैमिली भी ठीक हो जाए, ताकि वो व्लॉग्स कंटिन्यू करे और मैं भी उसके सारे व्लॉग्स देखूंगी अब से। मैंने उनका लास्ट व्लॉग भी देखा था, जब वो पॉजिटिव आए थे तो उनकी सांस काफी फूल रही थी, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और वो कुछ ज्यादा बोले नहीं, और बस इतना बोल के उन्होंने व्लॉग एंड कर दिया, हाँ, और उन्होंने पारस के लिए बताया था, पारस टकराल मेरे फेवरेट है, वो उनकी मदद तो कर रहे हैं, पारस सब के लिए कुछ बताया था सामान कि वो उन्होंने पहुंचा रहे बहुत हैं, हेल्प खाना भी की, पहुंचा सब रहे हैं, सब उनकी हेल्प कर, खाना भी पहुंचा रहे हो। हाँ सब उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने सबको थैंक यू बोला है, और ऐसे दोस्त सबको मिले, क्योंकि हमें नहीं मिले ऐसे दोस्त हेल्प करने वाले, हमारी इतनी किसी ने हेल्प नहीं की। मेरे को तो होने के बाद ही 5-6 दिन बाद पता चला था, जब स्टोरी से। हाँ हाँ एक्चुअली आपकी और मेरी इतनी बात नहीं होती थी उस वक्त, तो तो मैं एक चीज़ मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप अपने डॉक्टर से पूछो तो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, ये तो मैं खुद पर्सनली जानना चाहता हूँ ये चीज़, कोई कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है और उसके घर में कोई ऐसा है जो, जिसको कोरोना वायरस नहीं हुआ है, तो ठीक हुए हुए बंदे के वे अंदर भी कोरोना वायरस रहता है क्या? जो एक्चुअली इसके सिम्टम्स तो थोड़े बहुत रहते ही हैं, आपको मास्क लगाना कंटिन्यू जरूरी है, जितना हो सके दूर रहो, और ऐसा नहीं है कि जिसको हो गया उसको दोबारा नहीं हो सकता, उसको और डर है, हाँ बहुत वो ज्यादा तो, डर है उसे दोबारा भी, और जानवरों में, घर जैसे के, अगर मैं घर के भी हो पेट्स रही में हूँ तो फैलता है मुझको क्या? वापस भी हो सकता घर के पेट्स में भी फैल है। सकता है क्या अपन से कोरोना? पेट्स नहीं, पेट्स में ऐसा कुछ नहीं है, में नहीं फैलता? डॉग पेट्स में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्हें टच मत करो अगर आप पॉजिटिव हो तो, क्योंकि वो अगर आप उनको टच करोगे तो वो किसी और के पास जाएंगे जिसे कोविड नहीं है, क्योंकि फिर वो मैं उसे इसलिए टच पूछ रहा करेगा हूँ ये आपका चीज, फैमिली वो मेंबर, डॉग्स के तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पता है उनके पास भी एक डॉग है, सौरभ के पास में। पर वो तो सभी पॉजिटिव है ना, पूरी फैमिली उनकी, हाँ तो तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो डॉग रह सकता है उनके साथ में, अगर उनमें से सौरभ में से कोई भी ठीक हो, पीयूष ठीक हो जाए या कोई हो जाए, पीयूष तो तो अपने ठीक ही डॉग है, को उन्हें अलग ले पीयूष जाना तो चाहिए, ठीक ही पीयूष है, पीयूष को, ठीक है तो पीयूष, अगर अगर पीयूष टच कर रहा उसको हाँ तो दूसरे नहीं करने चाहिए जो पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर वो उसे टच करेंगे तो उसके वायरस डॉग्स के मतलब हेयर्स वगैरह पे, ऐसा मैंने हाँ सुना है,
कि चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो अगर दूसरा जो नहीं है पॉजिटिव वो उसे टच करेगा तो उसमें चला जाएगा वो वायरस, अच्छा, क्योंकि ये वायरस है। एक तरह से मतलब किसी फैमिली में एक बंदे को हो गया तो उस पूरे घर में कोरोना उसे अलग वायरस रहना है, फैला हुआ ही है। आइसोलेट रहना। तो थैंक यू आज इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और आपने भी खुल के बताया कि आप कोरोना पॉजिटिव थे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जी हाँ, आप एक बार अपना वेलकम। नाम बता दीजिए, नहीं तो गुमनामी की जिंदगी जियोगे आप यहाँ पर। माई सेल्फ भारती मारूठिया। मैंने भी देखा आपके वीडियोस इंस्टाग्राम पे, आपके भी वीडियो छोटे छोटे ब्लॉग्स की तरह होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग्स की तरह। आज सुबह ही मैंने स्टोरी देखी, बिल्ली के साथ खेल रहे थे आप। मैं बहुत जल्दी YouTube पे ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करूंगी, तो आप प्लीज मेरा थोड़ा प्रमोशन कर दीजिएगा। तो आपके किटेन का क्या नाम है, कैट्स का क्या नाम है? मेरे एक कैट का नाम तो मीमू है, और छोटे छोटे उनके उसके किटेंस हैं, वो हमेशा बच्चे लाती है और हमारे घर पे छोड़ जाती है, प्यारे प्यारे किटेंस। हमेशा मतलब बच्चे को? हाँ मतलब हर साल आती है, बेबीज लाती है फिर छोड़ जाती है, फिर वो बड़े हो जाते हैं फिर हमारे पास ही रह जाते हैं। मेरे पास 8 कैट्स हैं एट कैट्स है और तो 2 स्ट्रीट डॉग्स हैं। बहुत अच्छे व्लॉगिंग चैनल बनेगा आपका तो फिर। हाँ, और काऊ भी है और एनिमल फार्म्स भी हाँ, है। फार्म्स तो देखे मैंने आपके, अच्छा बनेगा। जब भी चैनल दोनों बनाओ के तो दिमाग में है। ग्रैंड ओपनिंग हमारे चैनल पर करना, जब भी बनाओ तो। ओके, आपसे ही सीखेंगे व्लॉगिंग करना, मैं कहाँ व्लॉगिंग करता हूँ, मेरा भाई करता है व्लॉगिंग। एडिटिंग करना, मतलब हाँ मेरे को कहाँ आती है आपसे अच्छी एडिटिंग, मुझे कहाँ आती है इतनी। हम तो कर लेते हैं, हमने आपसे सीखी है। आपके वीडियो चुरा चुरा के हम एडिटिंग करते हैं, और तो क्या करना। कभी स्टार्ट करूंगी तो थोड़ा थोड़ा, 1-2 महीने तो मुझे मतलब अपने घर पे आने देना, क्योंकि मेरे को सेटअप नहीं है। मेरे पास सेटअप वेटअप से आपसे एडिटिंग करके वहीं से अपलोड करेंगे, फिर है सेटअप तो है। उसके लिए जगह चाहिए होती है, सेटअप चाहिए होता है, और मेरे पास अभी स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं व्लॉगिंग थोड़ा देख व्लॉगिंग के लिए रही हूँ सेटअप ही ना स्टार्ट चाहिए कर। होता है, व्लॉगिंग के लिए तो आपको पता होगा ना, व्लॉग्स तो आप घर के बाहर के व्लॉग शूट कर सकते हो, और एडिटिंग के लिए बस एक एडिटिंग की तो लैपटॉप चाहिए चाहिए होता है, ना, लैपटॉप भी होगा तो काफी है। लैपटॉप चाहिए, और थोड़ा सा मतलब स्पेस भी तो चाहिए, और थोड़ा मतलब अलोन, हाँ अलोन वो अलग तो, रूम, हाँ वो एक अलग से स्टूडियो चाहिए उसके ऐसा लिए। ज्वाइंट फैमिली का इश्यू है ना मेरे। लेकिन आजकल ज्वाइंट फैमिली वाले व्लॉग ज्यादा पसंद करते हैं लोग। हाँ, मेरे थोड़े ब्लॉग अच्छे लगे लोगों को, क्या पता, क्योंकि मेरे थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती वाली मेरे ज्वाइंट को तो फैमिली वीडियो है, अच्छे लगते हैं, बहुत मजा छोटे छोटे आता। छोटे वीडियो अच्छे लगते हैं। मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि आपको बनानी क्या लगता चाहिए, है मेरा चैनल चलेगा? चलेगा और चलता ही है, गर्ल्स का तो चैनल चलता ही चलता है। हाँ वो तो है ही। चलो ठीक दस है, लोग देखते यही हैं तो, करेगा। 8 लोग तो सब्सक्राइब करते ही करते हैं। आज के लिए थैंक यू, आप वीडियो में ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इंस्टाग्राम आईडी डाल दो तो थैंक दिक्कत तो नहीं है, यू, कोई आपको फॉलो करना चाहते यहाँ से। ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है। है चलो ठीक है। बाय।